नमस्कार, आज फिर से स्वागत है आपका इस कहानी में और इस सीरीज़ में। और यहाँ पर मैं अपने जीवन के कुछ क्षण, कुछ पल आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इन कहानियों को सुनकर शायद कुछ जान पाओ, शायद कुछ झांक पाओ मेरी ज़िंदगी में और समझ पाओ कि एक फोटोग्राफ़र किस तरह से बनता है। ये कहानी है इंसानियत के बारे में, ये कहानी है इंसानों के बारे में और ये कहानी है उन चीज़ों के बारे में जिसने मुझे बनाया। हम अपने कल से बने हैं, कल जो हमने जिया है, कल जो हमने देखा है, कल जो हमारे ऊपर कुछ निशान छोड़कर चला जाता है, कुछ लकीरें छोड़कर चला जाता है, कुछ यादें छोड़कर चला जाता है। ऐसी ही कुछ यादें आपके सामने मैं जीने की कोशिश करूंगा। मुझे याद है वो दिल्ली की गर्मी और वो धूप, और मुझे याद है वो 10x10 का कमरा जो इस धूप से झुलस जाता था, और तकिए की जगह अपने हाथ को अपने सर के नीचे लगाकर सोना। मुझे याद है उस छोटे से कमरे के बाहर एक छोटा सा किचन जिसमें बर्तन नहीं थे, जिसमें चूल्हा भी नहीं था। मुझे याद है दिल्ली की सर्दी में बाथरूम जाने के लिए एक लंबी गली से गुजर कर जाना। मुझे याद है वो मेरी खाली जेब और बीवी के बेबस आंखों का मेरी तरफ देखना। मुझे याद है कैमरे का होना लेकिन काम के लिए तड़पना। मुझे याद है पंसारी की दुकान से आंखें चुरा कर निकल जाना। मुझे याद है दूसरी दुकान से उधारी लेकर घर का चलाना। मुझे याद है वो प्रॉपर्टी डीलर जो मेरे 5000 लेकर चंपत हो गया। मुझे याद है बिना घर के जमीन पर सोना। मुझे याद है वो भूखे पेट की आग और पानी पीकर सो जाना। मुझे ये भी याद है कि पैसे की तंगी की वजह से मैंने अपने पहले बच्चे को अबॉर्ट करा दिया। मुझे ये भी याद है कि अपने ही पैसे एजेंसी से भीख की तरह मांगना। मुझे याद है स्कूटर में 10 रुपए के पेट्रोल को डलाने के लिए लोगों से उधार मांगना, शादियों में जाने के लिए दोस्तों से गाड़ी उधार मांगना। मुझे याद है सदर बाजार की वो गलियां जहां से होलसेल में दिवाली का गिफ्ट पापा मम्मी के लिए लिया था क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे। मुझे वो लाचारी याद है जब 3 महीने की बेटी आईसीयू में मेरे सामने पड़ी थी और मेरी जेब में 1 कौड़ी नहीं थी। वो बेबसी, वो लाचारी सब याद है। मुझे याद है मंदिरों के धक्के खाना, व्रत रखना और दुआओं में ना जाने क्या क्या मांगना, शायद वो सुन ले। मुझे याद है वो सर्दियां जब मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे। मुझे याद है वो जामा मस्जिद की गलियां जहां से मैं सेकंड हैंड कपड़े खरीदता था। मुझे याद है वो किस्मत से शिकवा। मुझे याद है खुद पर गुस्सा
मुझे याद है वो बेटी की मासूम आंखें, मुझे याद है वो किस्मत की लकीर जो मेरे हाथों पे खींची थी, मुझे याद है वो नमकीन आंसुओं का जायका, मुझे याद है दर-दर की ठोकरें खाना, मुझे याद है मुझे नशे की लत का लग जाना, हर शाम ठेके पे खड़े होके एक पौवे का पी जाना, मुझे याद है वो दोस्त भी जो मेरे साथ खड़े थे, मुझे याद है वो लोग भी जो मुझे देखकर मुड़ जाते थे, ये यादें हैं अंदर, ये सब कुछ है अंदर, मैं सब भूल जाता हूं, मैं सब माफ कर देता हूं, मैं किस्मत को माफ कर चुका हूं, मैं ऊपर वाले को माफ कर चुका हूं, एक चीज जो मुझे रहती है याद कि मैं उस टाइम को नहीं भूला हूं, उस बेबसी को नहीं भूला हूं, उस बुरे वक्त को नहीं भूला हूं, जो मेरे साथ थे मैं उनका शुक्रगुजार हूं, जो मेरे साथ नहीं थे मैं उनका शुक्रगुजार हूं, आज मुझे हर कुछ बहुत छोटा लगता है क्योंकि मैं इतना बड़ा देख चुका हूं, ये यादें ही हैं जो मुझे हर वक्त आकर धक्का देती हैं कि कर अशोक और कर, अभी तो बहुत कुछ है, कहीं से मुझे आवाज आती है अशोक तू तो उस आग में तपा है जिस आग में जलकर कितने भस्म हो गए, दे दी तूने सारी परीक्षा और अब जा और कर ले अपनी पूरी इच्छा, जो मेरा कल है उस कल पर मुझे गर्व है और उस कल की वजह से ही मेरा आज है, अच्छा बुरा समय हर जीवन में आता है, अगर आप रुकते नहीं हो, अगर आप छोड़ते नहीं हो तो वो वक्त भी गुजर जाता है। मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं हम अगली कहानी में।